दोस्तों, तनाव स्ट्रेस क्या सचमुच बहुत नुकसानदायक है, या हम इसको अपने जीवन का एक चमत्कार बना सकते हैं? तो आइए आज 5 मिनट इस पर चर्चा करते हैं और तनाव या स्ट्रेस इस शब्द को एक बिल्कुल नए रूप में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम में से हर कोई, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो पढ़ाई करने वाला, या घर गृहस्थी संभालने वाली गृहिणी हो, हर कोई आज तनाव में एक जीवन जी रहा है। हर कोई तनाव या स्ट्रेस इसको रेगुलर लाइफ में इस शब्द को सुनता है और फेस करता है। स्ट्रेस ये वर्ड सुनकर ही ऐसा लगता है कि यह तो जीवन में आना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आज हम में से हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है और अपने मोबाइल में इंटरनेट के जरिए हम काफ़ी बार यह सर्च कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं कि तनाव क्या होता है, तनाव के कारण क्या हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है और उन उपायों को अपनाने की हम कोशिश भी करते हैं। बट सब कुछ पता होने के बावजूद स्ट्रेस दूर करने के सारे उपाय हमको बायहार्ट हैं आज, लेकिन क्या उनको अपनाने के बावजूद भी हम आज स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पा रहे हैं, हर समय खुशी वाली लाइफ जी पा रहे हैं क्या? कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ इस सिचुएशन में रहना तो दूर की बात है, हम यह कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसे स्टेज आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आप कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को यह बताना है या समझाना है कि स्ट्रेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब मेरी बात को अच्छे से समझने के लिए आप अपनी उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आपको ऐसा लगा था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, इनफैक्ट या अभी आप स्ट्रेस में हैं। आपकी लाइफ की परिस्थिति को अच्छे से समझने के लिए और आपको समझाने के लिए चलिए हम अलग अलग कुछ परिस्थितियों को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सबसे पहले आज की यंग जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जो किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, UPSC, MPSC या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। अब किया क्या जाए? क्या यहाँ पर हम एक कोशिश कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को स्ट्रेस का नाम न देकर हम खुद को यह बोलें कि यह एक सिचुएशन है जो मुझे डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने के लिए या IAS बनने के लिए इस सिचुएशन को फेस करना बहुत ज़रूरी है? क्या ये पॉसिबल है कि जब भी हमको पढ़ाई करने के दौरान स्ट्रेस फील होता है उस समय हम ये खुद को बोलें कि यह स्ट्रेस नहीं है, यह जस्ट एक सिचुएशन है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो मुझे बहुत इजीली इस सिचुएशन को डील करना, इस सिचुएशन को पार करना आना ही चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल्स में हम बिजनेसमैन लोगों को देखते हैं। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आपको वहाँ पर रेगुलर कभी स्टाफ का स्ट्रेस, कभी सेल्स नहीं होने का स्ट्रेस, कभी कस्टमर के मन मुताबिक सर्विसेज न मिल पाने का स्ट्रेस, क्या आप डेली लाइफ में ऐसे स्ट्रेस फेस कर रहे हैं? तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे समय में हम खुद को यह बोलें कि यह स्ट्रेस नहीं है, यह तो लर्निंग है बिजनेस की? क्या आप एक कोशिश कर सकते हैं कि डेली आप बिजनेस में जो स्ट्रेस फील करने वाली घटनाएँ हैं उनको आप लर्निंग बोल सकते हैं? दोस्तों, आपको लग सकता होगा कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट बात कर रही हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ बोलने भर से वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। आप इंटरनेट में एक बार सर्च करके देखिए तो आप पाएंगे कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हुए हैं, अमीर बिजनेसमैन हुए हैं, उन सब ने अगर सबसे ज़्यादा कभी लर्निंग की तो वो अपने बिजनेस के सबसे बुरे दिनों में की। क्या आपको पता है दोस्तों, एप्पल कंपनी के ओनर जिन्होंने उसकी स्थापना की, उनको एक समय ऐसा आया कि उनको उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। क्या आपके साथ बिजनेस में इससे बुरा कुछ हो सकता है? अगला एग्जांपल रिलेशनशिप का लेते हैं। आजकल यंग जनरेशन में ब्रेकअप की समस्याएं बहुत आम देखने को मिलती हैं। लोग
इस एक घटना को धोखे का नाम देकर अपने मन में गहरा घाव बना लेते हैं और बरसों उसके स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर इस स्ट्रेस से ऊपर उठने के लिए तुरंत एक नए साथी की तलाश में जुट जाते हैं जो उनके मन के खालीपन को भर सके। क्या इस समय को स्ट्रेस या धोखा ये नाम देने से अच्छा फ्रीडम का नाम दिया जा सकता है? जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है, क्या आप खुद को यह बोल सकते हैं कि आप खुश रहने के लिए किसी और के ऊपर कितना डिपेंडेंट थे और अब वो डिपेंडेंसी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है? अब आपके सामने लाइफ के नए एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है, खुद को जानने का टाइम आ गया है, खुद के थॉट प्रोसेस को समझने का टाइम आया हुआ है, आपका करियर बनाने का टाइम आया हुआ है। दोस्तों, थोड़ा सा कोशिश करके अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आप जीवन भर उस एक व्यक्ति को थैंक यू बोलेंगे जिसकी वजह से आप खुद को समझ पाए, जिसकी वजह से आप करियर में अपना हाईएस्ट गोल अचीव कर पाए। दोस्तों, अगले एग्जांपल में हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के समय में अपनी नौकरियां गंवा दी। आप अगर अपने चारों ओर के लोगों को देखेंगे तो आपको स्ट्रेस भरा माहौल दिखाई देगा, बट साथ में आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी उनमें से थे जिन्होंने फ्रूट्स का बिजनेस करके, वेजिटेबल्स का, मास्क का, छोटा या बड़ा बिजनेस करके अपने जीवन को एक टोटली नया डायरेक्शन दिया। दोस्तों, इन सब एग्जांपल्स में हर जगह सिचुएशन स्ट्रेस वाली ही थी, बट आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमको कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो हमको हमारे माइंड की डिक्शनरी से स्ट्रेस वर्ड को डिलीट कर देना पड़ेगा। आपको एक कोशिश अपनी रेगुलर लाइफ में करनी है, जब कभी आपको किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस फील हो रहा है तो ये मत बोलिए कि बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बस ये बोलिए ये स्ट्रेस नहीं, ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आपको यह सब करना बहुत डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे विचार वैसे ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और स्ट्रेस के टाइम पर तो यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किए आप कभी भी कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी पाएंगे। आपने स्ट्रेस को दूर भगाने के बहुत सारे उपाय पढ़े होंगे, सुने होंगे कि रोज़ मेडिटेशन करो, खुश रहने की कोशिश करो, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, हॉलीडेज पे चले जाओ, इससे भी ज़्यादा उपाय आपको पता रहेंगे, बट आप खुद जानते हैं कि क्या ये सब उपाय अपना कर आप पूरा दिन स्ट्रेस फ्री रह सके? मैं इन उपायों के या मेडिटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद योग शास्त्र की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेली मेडिटेशन करते हैं और आप लोगों को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि क्या मॉर्निंग में 15 मिनट्स, हाफ एन आवर मेडिटेशन का प्रैक्टिस भर कर लेने से क्या आप दिन भर स्ट्रेस फ्री लाइफ बिता पाते हैं? ऐसा क्यों होता है, इस पर हम किसी अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि इन सब उपायों को करते करते आपको अगर परमानेंट स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको अपने दृष्टिकोण में, अपने देखने के नज़रिए में, अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने देखने के दृष्टिकोण को कम्प्लीटली चेंज कर देना, अपनी थॉट प्रोसेस को कम्प्लीटली चेंज करना, ये सुनने में आपको स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लग सकता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, या फिर इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, डिफ़िकल्ट लग सकता है कुछ प्रैक्टिस के बाद में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस छोड़िए मत। आपको करना सिर्फ इतना है, जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है आपको तुरंत खुद को ये बोलना है कि यह स्ट्रेस नहीं है, यह जस्ट एक सिचुएशन है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके दिन भर में एक दो बार एटलीस्ट इसको याद रख पाएंगे। इसके बाद भी इसको छोड़िए मत, सुबह उठकर, रात को सोते समय और दिन भर में जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है यह खुद को बोलते रहिए। प्रैक्टिस करते करते कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप उस स्ट्रेस को अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपका माइंड उस समय अवेयर रहेगा ये बोलने के लिए। जब भी आप स्ट्रेस फील करेंगे तो आपका माइंड आपको याद दिलाता रहेगा कि ये स्ट्रेस नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है,
या लर्निंग है या एक सिचुएशन है। ऑफ कोर्स अभी भी आप उस सिचुएशन को, स्ट्रेस को कम्प्लीटली सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी समझ नहीं पाए हैं, बट आपका माइंड अब काफ़ी हद तक अवेयर है और रेगुलर इसका प्रैक्टिस करने पर एक दिन वह जरूर आएगा जब आपका माइंड आपको खुद बोलेगा यह स्ट्रेस नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। और स्ट्रेस नाम का यह वर्ड आपके माइंड की डिक्शनरी से ही डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्दी ही अपने जीवन में उस स्टेज को ज़रूर हासिल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको बोलती किताबें चैनल के वीडियोस आपके जीवन के लिए और बाकी लोगों के जीवन के लिए यूज़फुल लगते हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक इंसान के माइंड से स्ट्रेस वर्ड को डिलीट करके अपॉर्चुनिटी या लर्निंग जैसे वर्ड से उसको रिप्लेस कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।